दोस्तों हो गया चमत्कार। भारतीय टीम ने पहला T20 मैच 100% हार कर भी जीत कही है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं, इसमें न्यूजीलैंड की टीम ने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। न्यूजीलैंड टीम को ये बाद में भुगतना पड़ा। अंपायर्स ने भारतीय टीम की बैटिंग के समय एक गलती कर दी, जो बाद में निकल कर सामने आया और पूरा ही पासा पलट दिया। दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं इस खबर को विस्तार से, और अगर आप भी हैं भारतीय टीम के सच्चे सपोर्टर, तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आपका एक लाइक भारतीय टीम को सपोर्ट कर सकते। तो चलिए दोस्तों हम आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों आज खेला गया इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में पहला T20 मैच। ये पहला T20 मैच बेहद ही रोमांचक मैच था। इस पहले T20 मैच का टॉस जीता इंडिया ने और पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया। बैटिंग करने आए न्यूजीलैंड की टीम ने काफी शानदार प्रदर्शन किया और न्यूजीलैंड की टीम ने पूरे 20 ओवर में 176 रन ठोक डाले। दोस्तों आज एक बार फिर से हरदीप सिंह काफी ही ज्यादा खर्चीले साबित हुए, इसकी वजह से न्यूजीलैंड की टीम इतना बड़ा स्कोर बना पाई। वहीं दोस्तों डैरिल मिचेल ने काफी शानदार पारी खेली। दोस्तों इसके बाद इंडिया की टीम बैटिंग करने आती है। इंडिया की टीम शुरुआत में ही अपना 3 विकेट खो देती है। इसके बाद फिर क्रीज पर सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या खेलते हैं। ये दोनों पारी को थोड़ा बहुत आगे बढ़ाते हैं, लेकिन फिर इन दोनों का विकेट भी 100 रन के अंदर ही गिर गया। और दोस्तों जो भारतीय टीम मैच जीत रही थी वो हार की ओर बढ़ने लगी, लेकिन दोस्तों बाद में फिर वाशिंगटन सुंदर ने काफी ही शानदार पारी खेली और उन्होंने टीम इंडिया को काफी जीत के करीब पहुंचाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीम इंडिया ये मैच हार गई। लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से वाशिंगटन सुंदर ने शानदार पारी खेली, उससे हम ये कह सकते हैं कि भारतीय टीम ये मैच 100% हार कर भी जीत गई।